असलन दिसल दिटे फेसबुक पेज ओके यूज बेसिकली इसमें भी हमें करने के आए सिक यूज़ करने हैं ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट कुड बी एवेलुएटेड इन द टेस्ट ठीक है अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट अगर हम उसको आसान तरीके से कवर अप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है ठीक है तो आज का जो वे, जो पहला टॉपिक व्हाट आई हैव चूज इन इन कम्यूटर साइंस इज द शॉर्ट कीज हो सकता है भाई इनमें से एक भी शॉर्ट की आपके पास क्वेश्चन के अंदर आ गई तो मीन्स यू वुड गेट टू मार्क्स अगर वो फिफ्टी एम सी क्यूज की बेस के ऊपर पेपर बन है, तो marks, रहा है तो यू वुड गेट टू मार्क्स ठीक है और अगर वो हंड्रेड एम सी क्यू पे जा रहा है तो वन मार्क ठीक है तो मतलब एनी हाउ यू कैन गेट द मार्क्स इफ यू लर्न ऑल द शॉर्ट कीज और ऐसा होता है कि शॉर्ट कीज़ में से कुछ ना कुछ आ जाता है तो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट की वी यूजअली यूज दिज शॉर्ट कीज इन आर डेली लाइफ बट वी जब कोई हमसे अचानक से पूछ देता है तो ऐसा होता है कि हम हमें जैसे वो ना आता हो सो वी वी हैव टू मेमराइज ऑल द कीज़ दैट कैन मेक आ वर्क ईजियर इन कंप्यूटर अच्छा जो भी हम पढ़ते हैं वो सिर्फ टेस्ट की हद तक नहीं होना चाहिए वी शुड इम्प्लीमेंटिड ठीक है और जब भी वो चीज़ याद रहती है जब आप उसको डेली बेसिस पे यूज करते हो अब हमारे पास सबसे पहले एमसी की सॉरी सबसे पहली जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस ए अगर आप हेडिंग पढ़ो तो मैंने लिखा है कीबोर्ड शॉर्ट कीज एंड ट्रिक टू मेमोराइज ठीक है अब इसकी कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स होनी चाहिए बिकॉज वी हैव टू लर्न द कीज फ्रॉम ए टू जेड तो क्या ऐसा करें कि हमें भी याद भी रह जाए कि वो सारी uh, कौन कौन सी कीज थी तो कंट्रोल ए बेसिकली उसका फंक्शन है सिलेक्ट ऑल करना सिलेक्ट ऑल ठीक है अगर अब आप देखो कि मैंने जिस तरह से किया तो मैंने कहा ए फॉर ऑल और ए इसकी की भी है तो मैंने इसको एक इस तरह से याद किया और जब मैंने उसको बार बार रिवाइज किया तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू मेमोराइज इट एंड रिकॉल इट फिर बी बी अगेन इसमें भी क्या होगा बी फॉर बोल्ड है बी फॉर बोल्ड एंड बी हमारी की थी सी फॉर यूनोपेट कंट्रोल प्लस सी इज फोर कॉपी तो हम ये तो बहुत आसान है बिकॉज सी इज फोर कॉपी और कंट्रोल सी ही हमारी खेती उसके बाद हमारे पास डी अब डी जो है वो भी बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि डी फॉर डुप्लीकेट फिर ई फोर सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है

अब ये अलाइनमेंट को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर में अपना पूरा टेक्स सिर्फ सेंटर में उठा के लेकर आ जाऊं तो मैं उसके लिए यूज करूंगी कंट्रोल प्लस ई कंट्रोल प्लस ई तो अलाइन इन सेंटर फिर हमारे पास आ रहा है एफ एफ फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग टेक्स अगर लेट सपोज मैंने कुछ ढूंढना है तो हमें सर्च बार भी चाहिए होता है तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ को इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड द टेक्स फाइंडिंग टेक्स्ट देन जी अगर इसमें देखें तो यहां पे एफ फोर फाइंडिंग और एफ फोर मतलब कंट्रोल एफ है और इसमें एफ फाइंडिंग टेक्स में अच्छा इसके बाद हमारे पास जी है जी में आप ग्रुप होता है गो टू होता है ठीक है ग्रुप ऑन और गो टू तो वो दोनों जो है वो क्या है वो भी जी से ही स्टार्ट हो रहे हैं तो कीज आर वेरी इजी टू मेमोराइज बस ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा एट वेरी फर्स्ट टाइम तो उसके बाद आपको दोबारा आई गेस के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी अब जी ही से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास ग्रुप ऑन और गो टू अब इन दोनों में अगर आप देखो तो इसमें भी ये जी आ रहा है इसमें भी ये जी आ रहा है कंट्रोल जी हमारे पास की है फिर एच एच हमारे पास होता है रिप्लेस करने के लिए वर्ड को रिप्लेस करने के लिए अगर मैं कंट्रोल प्लस एच करूं तो आई कैन रिप्लेस समथिंग देन आई I is very easy. आपको सिर्फ और सिर्फ अटैलिक उसमें फॉन्ट में लेकर आना होता है अटैलिक फॉर्मेटिंग करनी होती है किसी टेक्स्ट की तो हम उसको कंट्रोल प्लस I कर देते हैं सिंपल जैसे मैंने ये लिखा है अब ये थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो ये टैलिक ही में जा रहा है और इसी के लिए अगर ये बिल्कुल सीधा होता ठीक है स्ट्रेट होता तो मुझे अगर इसको कर, इटालिक करना होता तो मैं क्या करती दी उसको सिलेक्ट ऑल कर दी और फिर मैं क्या करती दी सिलेक्ट ऑल के लिए मैं कंट्रोल ए कर दे और उसके बाद में क्या करती कंट्रोल आई कर दी तो पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो जाता इटैलिक फॉर्म में आ जाता इटालिक फॉर जस्टिफाई जस्टिफाई का मतलब होता है कि बिल्कुल ही सीधा लाइक इक्वल फ्रॉम ऑल साइड ठीक है इक्वल फ्रॉम ऑल साइड की बात करें तो हम उसको कहते हैं जस्टिफाई फिर हमारे पास आता है के के हमारे पास आ रहा है हाइपर लिंक ठीक है हाइपर लिंक अच्छा जे यहां पे अगेन जे कंट्रोल जे है और यहां पे जस्टिफाई भी जे से स्टार्ट हो रहा है आई कंट्रोल आई है और यहां पे इटैलिक भी आई से स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज वेरी इजी टू मेमोराइज फिर हमारे पास हाइपर लिंक है हाइपर लिंक अब इसका जो आखिरी वर्ड है के वो हमारे पास कंट्रोल के में आ रहा है ठीक है तो इसको भी अगर आप याद रखना चाहो ऐसे के केस के जो है वो बेसिकली क्या है लिंक से कनेक्ट हो गया है और क्योंकि लिंक का जो लास्ट लेटर है वो है के फिर एल एल हमारे पास होता है जैसे हमने अभी सेंटर में किया था यहाँ पे अलाइन एंड सेंटर कंट्रोल ई करके तो अगर मुझे इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना हो तो मैं क्या करूंगी कंट्रोल एल करूंगी ठीक है अलाइन एंड लेफ्ट अलाइन लेफ्ट देन एम इज यूज फॉर पैराग्राफ इंडेंट अच्छा पैराग्राफ इंडेंट इंडेंट सेंटर इंडेंट ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं तो आ, कुछ लोगों को समझ में आएगा कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि अलाइनमेंट वगैरह इज़ वेरी इजी तो इंडेंट पैराग्राफिंग इंडेंट हम इसको बाद में बात करते हैं इसके बाद मेरे पास आ रहा है ये यहां पर आ रहा है आ, एन एन स्टार्ट हो रहा है एन से तो हमारे पास ये भी क्या है न्यू विंडो एन फॉर न्यू विंडो ओ यहां पे जो लेटर्स का स्टार्ट होगा वो भी ओ से होगा ओपन फाइल कंट्रोल भी हमारे पास यूज होता है फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट यहां पे पी है यहां पे भी पी है प्रिंट डॉक्यूमेंट क्यू क्लियर इंडेक्स क्लियर इंडेंट अभी मैंने आपसे बात की कि वी हैव टू लर्न अबाउट दिस हम इसकी इंडन की बात करेंगे जब हम इसको ब्रीफली समझेंगे तो यहाँ पे हम इसको देख लेंगे भाई वो क्लियर इंडेंट क्या होता है हमारे पास पैराग्राफ इंड क्या होता है तो हमारे पास यहाँ पे क्यू किससे होगा क्लियर इंडेंट होगा फिर ओके okay. सो so फिर हमारे पास आ रहा है कंट्रोल आर कंट्रोल आर इज यूज फॉर अलाइन एंड राइट जैसे हमने अलाइन इन लेफ्ट किया था अलाइन इन सेंटर किया था अब हमारे पास आ रहा uh, right. right okay. है अलाइन इन लाइफ राइट अलाइन इन राइट साइड एस ओके देन हमारे पास जो कंट्रोल टी है दैट इज यूजिंग फॉर हैंगिंग इंडेंट तो इंडेंट वी विल रीड अबाउट मे बी द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंडेंट

अब इससे कोई चीज आपको रिजेंबल uh, नहीं करेगी कि मैं उसको आपको ट्रिक बताऊं तो ये आप याद कर लिएगा डब्ल्यू इज फॉर क्लियर डॉक्यूमेंट उसके बाद एक्स फॉर कट कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर कट कंट्रोल वाई इज यूज फॉर रीडू कंट्रोल जेड इज फॉर अंडू ठीक है And that's all for this video. And I'm going to meet you soon in next video with some new topic. revise this and if you want the, the picture of this, so I can share it. Thank you so much. Allah yeah.